हमारी ताकत है, अगर हम आज नहीं किए तो कल हमको पछताना पड़ेगा, इसलिए रोज़ रोज़ पछताने से अच्छा है एक दिन मेहनत करके वक्त पर आकर के वोट डाल दें ताकि अपने पसंदवार उम्मीदवार को हम कामयाब कर सकें। मैं अभी शिवाजी नगर के बूथ टू बूथ हम लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं जो पोलिंग की संख्या है बहुत कम है, लोग बहुत कम तादाद में आ रहे हैं। अभी जहाँ जहाँ जाओ तो करीब करीब 100 वोट ही गिरे हैं, लेकिन लोगों का कहना ये है कि आगे चल के टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज जो वोट गिरेगा वो तकरीबन 60% होगा। देखते हैं आगे शाम तक कितने परसेंट वोट मिलता है। कैसा चला जावेद सर? नहीं, अच्छा है, अल्लाह का फजल है। सवेरे से मैं बेनसंटो नीरे में जाके आया, अभी शिवाजी नगर वार्ड नंबर 32 में हूँ, और जिसको भी पूछो कांग्रेस 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 करके बोल रहा है। वजह उसकी क्या है, अरशद रिजवान के ऊपर एक सिंपति, दो बार एमपी हार चुका है, इस वजह से लड़के को किसी हालत में जिताना करके आवाम तय कर लिए। और मैं भी 3-4 दिन इधर कैनवासिंग किया था, मैं 92 वार्ड के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली पूरा डोर टू डोर किया 4 घंटा या 5 घंटे में, और जय महल कॉन्स्टिट्यूंसी में भी मैं डोर टू डोर किया, और एक भारतीय नगर में थोड़ा बहुत गया था। जिधर भी जो आवाम के अंदर नहीं, सब इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे, क्षेत्रा बचाना चाहिए कॉन्स्टिट्यूंसी। अभी जो पाइपोटी है कांग्रेस और बीजेपी में है, और बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसका रिकॉर्ड सही नहीं है पब्लिक के अंदर। लग नहीं रहा आपको जमीन साहब की बहुत ज़्यादा मुस्लिम वोट बटेगा एसडीपीए और जनता दल में? नहीं, आदमी आज समझदार है, आपकी बात मानता हूँ मैं जी। पब्लिक समझदार हो गई है। अच्छा, अभी उनको समझदार हो गई है, समझदार हो गई है, पहले समझदार नहीं थी, अभी समझदार हो गई है। अभी पब्लिक के अंदर ओपिनियन, मैं बोला भाई मेहरबानी साहब इनको वोट नहीं देना, कैसे वोट देंगे बोलो, अगर 2-3 हज़ार वोट हम दे देंगे तो क्या एसडीपी जीत सकती क्या? अभी जनता दल का वो 1000 के ऊपर कभी वोट लिए नहीं, एक ही बार वो अब्बास अली भोरा करके एक कैंडिडेट थे 2013 के अंदर, वो 5200 वोट कुछ लिए, उनका हिस्ट्री निकालो 20 साल का, 1600 वोट के ऊपर वोट नहीं लिए वो जो है खाली। लास्ट मोमेंट में जो कॉर्पोरेटर इधर से उधर गए कल, उससे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किससे? कांग्रेस नहीं, अभी एक कॉर्पोरेटर को जो संपंगी रामनगर का जो कैंडिडेट है वसंत करके, वो कल उसको फोन के थ्रू बात किया, दोबारा आके जम गया उसको प्रेजर। अभी बीजेपी आप जानते हैं कर्नाटका के अंदर नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो लोग एक थ्रेटिंग पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अच्छा। आदमी को डराना, अभी आदमी का कुछ ना कुछ वीकनेस रहता ही है। अभी मैं भी धंधा करने वाला हूँ ट्रांसपोर्ट, आप भी धंधा करने वाले हैं, कुछ ना कुछ 1% तो वीकनेस रहता है 99, उसको थ्रेट करना, ईडी की धमकी देना, इनकम टैक्स की धमकी देना, सीबीआई की धमकी देना, छोटे छोटे लोग अलग तरीके से धमकी देना, आज हमारा पावर है, आज हमारी गवर्नमेंट हुकूमत है, इलेक्शन के बाद आपको सबक सिखाएंगे, यानी डरा के उसको बीजेपी में लिए थे एक दिन के लिए, दोबारा वापस आ गया। तो ये आपको उम्मीद है कि ये एरिया कांग्रेस के हाथ पर रहेगा? सौवीं सती लास्ट 2019 का आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। लास्ट 2019 लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी हमारे लीडर, हम अभी भी लीडर मानते हैं उनको, रोशन बेग साहब को, एक सीनियर है, 7 बार MLA है, 4 बार मिनिस्ट्री बने थे, लास्ट टाइम 2019 का लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी वो विरोधी किए थे, अरशद रिजवान को नहीं किए। अभी उनके साथ एक गुना शेखर करके जो बीजेपी गया वो भी विरोध किया था, शंकरे गौड़ा करके जो कॉर्पोरेटर उसकी बीवी है वो भी विरोध किया था, वो जो बीजेपी को गए, उसके बावजूद भी रोशन बेग साहब विरोध करने के बावजूद भी अरशद रिजवान ने 17,000 लोकसभा इलेक्शन में लीड लिया। इसका मतलब समझो कि कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस का गढ़ है, उम्मीद है, सौवीं सती उम्मीद है, ये बार अरशद रिजवान अच्छी खासी लीड में जीतेंगे। जमीर भाई, अभी 15 सीट में जो सीट होने वाले हैं, कांग्रेस को कितने सीट मिलने वाले हैं? नहीं, अभी मैं ज़्यादातर किधर जा नहीं सका, अभी जैसा कि मेरी तबीयत नासार होने की वजह से मैं ज़्यादातर जा नहीं सका, फ़ोन के थ्रू माहिती ले रहा हूँ। अभी मैं होसकोटे गया था, अभी होसकोटे में और महालक्ष्मी लेआउट शिवाजी नगर में किया, मैं हीरे के फ़ोन के थ्रू बात कर रहा हूँ, हमारे फॉलोअर्स को फ़ोन करके पूछ रहा हूँ, जिधर भी जाओ आवाम के अंदर एक ही है, नहीं इस बार इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए, अगर नई सबक सिखाएंगे तो आगे जाके ये लोग सुधरेंगे नहीं। पब्लिक के अंदर ओपिनियन आप यकीन नहीं मानेंगे, मिराकल रिजल्ट आएगा, कोई मिराकल रिजल्ट आएगा, ये 15 के अंदर कांग्रेस 11 सीट जीतेगी, जनता दल 2 से 3 सीट जीतेगी, यानी बीजेपी डबल जीती या सिंगल डिजिट भी हो सकता है, और पब्लिक के सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी जीतने के बाद आपके कहने के बाद कांग्रेस और जेडीएस फिर दोबारा गवर्नमेंट बनाएंगे? मैं क्या बोलता हूँ, वो जीतने के बाद जिताना कौन जिता सकता है, मैं तो जीता नहीं सकता कैंडिडेट को, अभी अरशद रिजवान शिवाजी नगर में हम ठहरे, अभी मैं जीता सकता थोड़ी है, सिद्धरा में आके थोड़ी जीता सकती है, सोनिया गांधी थोड़ी आके जीता सकती है, राहुल गांधी थोड़ी आके जीता है, जिताना है शिवाजी नगर की आवाम, पब्लिक जिताती है, वो रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने के बाद इंशाल्लाह सोचेंगे, लग रहा है
कि ये हुकूमत अगर ये लोग खुददार अगर है बीजेपी वाले अगर 15 के अंदर अगर वो लोग 7 जीतेंगे तो ही वो लोग गवर्नमेंट आगे कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं तो ऑटोमेटिकली रिजाइन देना पड़ता। अभी बीजेपी आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, महाराष्ट्र के अंदर कभी देखिए आप हिस्ट्री निकालो आप, जब से आज़ादी हुआ रात में 2:30 बजे जाके गवर्नर के पास जाके 2:30 बजे बैठ के 3 बजे जो प्रेसिडेंट रूल होता है उसको रिवर्क करते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरा करते हैं, रात बैठ के सवेरे 7:30 बजे स्वेयरिंग सेरेमनी करते हैं। ना माध्यम को मालूम है, ना पब्लिक को मालूम है, सब लोग सोए हुए हैं, सुबह उठ के देख रहे न्यूज़ के अंदर कि बीजेपी की हुकूमत बन गई। तो ये जो आप जो ये समझ लोगों को आ चुकी है इस टाइप की चीज़ की, लोग समझ रहे हैं इस बात, सौवीं सती लोग समझ गए इस बार बीजेपी को सही सबक सिखाए। ये 15 लोग जो गए हैं आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, फिर ऑपरेशन कमल सेकेंड दोबारा करने की कोशिश कर रहे हैं, रमेश जारकुली ने कहा कि दोबारा हम ऑपरेशन कमल करेंगे। ऑपरेशन कमल को कोई अभी नहीं जाएगा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश के हिसाब से उनको जो छीमारी डाला है, अनहरा बोले तो क्या है, मतलब क्या है उसका, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो देखने के बाद इज्जतदार आदमी तो कोई जाएगा नहीं। तो एक मैसेज क्या है आपको लास्ट? नहीं अभी इंतजार करो, नहीं अभी बहुत वोटिंग का बहुत कम है, 70 या 60 लोग से आवाम से मैं ये गुजारिश कर लेता हूँ, परसेंटेज आपका एक एक वोट भी कीमती होता है, मेहरबानी करके एक वोट से हार भी हो सकती है और एक वोट से जीत भी हो सकती है, अगर एक वोट आप नहीं डालेंगे उसमें हार भी हो सकती है और एक वोट आप डालेंगे उससे जीत भी हो सकती है। आवाम से रिक्वेस्ट करता हूँ मेहरबानी से बाहर आओ, आपका हक है, आप जिसको चलाना चलो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इनको चलो उनको चलो, आप समझदार है। शुक्रिया जी। अनानंद साहब कैसा चल रहा है, रिस्पांस कैसा है? बहुत अच्छा रिस्पांस चल रहा है जी। वोटिंग ऑफ नंबर जो अभी गिर रहा है, परसेंटेज बहुत कम है, ये स्पीड होने का उम्मीद है? हाँ उम्मीद है, मुझे शिवाजीनगर के अंदर अक्सर मैं देखा हूँ जी, वो 10 बजे के बाद बहुत अच्छा परसेंटेज जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी आवाम से, वोटर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बहुत अहम इलेक्शन है और अपना जमहूरी हक अदा करने के लिए आप तमाम को कुर्बानी देना है, आप तमाम को क्यू में आना है, बर्दाश्त करना है और जो कुछ घर के अंदर लोग हैं चाहे वो ज़यीफ़ हों चाहे वो बीमार हों किसी भी हालत में हों, आप जो है ज़िम्मेदारी के साथ वोट अदा करें, बहुत अच्छा इलेक्शन का माहौल है और आप अपने उम्मीदवार को चुनने जा रहे हैं। मौसम भी अच्छा है? नहीं मौसम भी अच्छा है, बहुत अच्छा है जी, तमाम से रिक्वेस्ट करता हूँ। आनंद साहब एक मालूम हुआ कि बहुत से मुसलमान लोग भाई लोग वोट डालने नहीं आ रहे, नोटा पे डाल रहे हैं, तो आपका क्या मशवरा है? नहीं नहीं हम जो घर घर जाके उनको कैंपेन किए हैं, वोट की अहमियत भी समझाए हैं और उम्मीदवार की अहमियत भी हम समझाए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई लोग घर में नहीं बैठेंगे, आएंगे जरूर आएंगे, वो वोट करेंगे। अभी हम देखें पिछले घंटे से 60 या 70 लोग या 80 लोग एक एक बूथ में है, इसकी वजह क्या है कि लोग बाहर नहीं आ रहे हैं, बाईपोल से ये हो गए नाराज हैं या कैंडिडेट? नहीं ऐसी बात नहीं, मैं देख रहा हूं कि यहां पे जो सेंटर्स हैं बहुत करीब है, अपने घर से अपने शहर से मतलब अपनी दुकान से बहुत करीब है, वो आएंगे 10 के बाद जरूर आएंगे, मैं उम्मीद रखता हूँ ये तमाम लोग आएंगे इंशाल्लाह। कितना परसेंट लगता है आपको वोटिंग होगा, कुछ आइडिया है? नहीं 60 तक जाएगा जरूर, 60% तक जाएगा। आप आपकी पार्टी खड़ी है, आप बहुत आप लोगों को बहुत इल्जाम आए हैं कि आप वोट डिवाइड कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आपका क्या कहना है इस बारे में? नहीं जितने इल्जाम आए हैं उससे हम ताकतवर हुए हैं और उसे फेस करने के लायक हुए हैं, इल्जाम तो आम बात है लेकिन अवाम और वोटर्स शिवाजीनगर के अपना फैसला तय कर लिए हैं, बहुत अच्छा वोटिंग होगा और वो फैसला लेंगे इंशाल्लाह। और मुस्लिम्स के अलावा किस किस की वोट लेने की उम्मीद है आप? SDP जो है शुरू से जिस जगह भी हम जीते हैं वहाँ पर दलितों के वोट लिए हैं, क्रिश्चियंस के वोट लिए हैं, OBCs के वोट लिए हैं, मुसलमानों के तो वोट लिए हैं, ये तमाम लोग इंशाल्लाह वोट करेंगे। जाने के टाइम पे जाने से पहले एक सब क्या है आपकी मैसेज? अपने हक को अदा करने का दिन है और अपने अच्छे उम्मीदवार को चुनने का दिन है, थोड़ा कुर्बानी दें, थोड़ा बर्दाश्त करें और अपने उम्मीदवार को तय करने के लिए आए, अपने पोलिंग बूथ को आए और अपने दोस्त अहबाब के साथ आए, जरूर अपने उम्मीदवार को आप बटन दबाएं, मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे उम्मीदवार को चुनेंगे और मुझ जैसे को याद रखेंगे दुआओं में इंशाल्लाह।